सेट होने के बाद भी, बम्बा पलटने के बाद भी, और इसके अंडे नहीं गिरे नीचे, अभी भी घोंसले में ही है। फ्रेंड आज हमारे शॉप पर आ चुकी है होंडा सिटी, जो कि आपने देखी होगी टार्जन फिल्म में भी इसी प्रकार की गाड़ी है। और ये गाड़ी जो है बम्बा में पलट चुकी थी, तो मैं आपको दिखाऊं, इसका गिलास भी टूट गया है और इसकी छत भी डैमेज हो चुकी है। और इधर लेके आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें कितना गंद भरा हुआ है गाड़ी के अंदर, और इतना सारा कीचड़ हो गया है। ये सारी सीटें हैं और ये तो क्लोज ही हो चुकी है, और इस गाड़ी की कंडीशन ये बन चुकी है। अब इसको हम इस प्रकार रिपेयर करेंगे जैसे गाड़ी पहली थी हमारी, उसी का बिल्कुल उसी रूप में देंगे इसे कंप्लीट करके, क्योंकि गाड़ी को कोई महसूस नहीं कर पाएगा और ये हमारी गाड़ी बनकर रेडी हो जाएगी और रोड पर चलने लगेगी। तो फ्रेंड मैं इसके अंदर की जो गंद थी उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि इस गाड़ी के अंदर की क्या हालत बन चुकी है। आइए लेके आइए गाड़ी के पास। तो फ्रेंड देखिए, इधर जो है इसका पूरा डैशबोर्ड ख़राब हो चुका है, अंदर कितनी कीचड़ भरी हुई है, और इसकी छत पर देखो, इसकी छत पर जो है फ्रेंड कैमरा साफ नहीं दिखा पा रहा है, अंदर से दिखाऊं मैं आपको, इसकी छत पर ये इतना कीचड़ भरा हुआ है। और इधर देखिए, ये पूरी गाड़ी कीचड़ में सनी हुई है, क्योंकि ये जब बम्बा में पलटी थी तो उस समय इसमें जो है काफ़ी गंदगी पैदा हो चुकी है इस गाड़ी में। हम अगर काम भी कर रहे हैं तो बदबू आ रही है, और फिर भी हम इस गाड़ी का काम तो करना ही करना है। और मैंने इसकी सीट को खोला था और इस गाड़ी के अंदर इतना सारा पानी भरा हुआ है। देखिए इसकी सीट भी कोई सेफ नहीं बची है, सारी गंदी हो चुकी है। पीछे ले पीछे। इस गाड़ी में अभी भी पानी भरा हुआ है अंदर की साइड, अब इसे हम क्लीन करने वाले हैं, इसे सही करके देख लो बे। अब इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये गाड़ी रेडी हो जाएगी, फिर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये धुलाई प्रेशर पर जाएगी, इसकी गंदगी सफ़ा होकर के आएगी। और हम इसका इस गिलास को हटाते हैं जिससे कि गाड़ी प्रेशर पर जाने में पहुँच सके आराम से।